हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये डे वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। इस वीडियो को मैंने नेचुरल लाइट्स में ही शूट किया है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मेकअप डे लाइट में अच्छा नहीं दिखता है। सो यू कैन क्लियरली सी कि डे लाइट में भी ये मेकअप बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको टू लिप ऑप्शंस दिखाने वाली हूं। अगर आप न्यूड लिप्स पसंद करते हैं तो उसे भी आप इस लुक के साथ कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मेरी तरह बोल्ड लिप्स पसंद हैं तो आप डेफिनेटली बोल्ड लिप्स भी रख सकते हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। सो गाइज, मैं अपने फेस को मेकअप के लिए प्रेप कर चुकी हूँ। मैंने अपने स्किन को एक्सफोलिएट किया है और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। तो गाइस, सबसे पहले मैं गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं एज अ प्राइमर यूज़ करूँगी फाउंडेशन के नीचे। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और फाउंडेशन को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और विंटर्स में ये और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। उसके बाद मैं, जब तक प्राइमर सेट हो रहा है, मैं बेनिफिट का कार ब्राउ यूज़ करूँगी और इससे अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है गाइस, इसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है और ये एकदम ही मेरा फेवरेट हो गया है। बहुत ही अच्छे से आपकी आईब्रोज को फिल कर देता है और काफ़ी देर तक इंटैक्ट भी रहता है। काफ़ी इंटेंस पिगमेंटेशन है इसकी। इसमें मेरा शेड है नंबर 6 डीप। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। और मैं इसे स्पूली से ब्रश कर लूँगी। फाउंडेशन में यूज़ करूँगी लॉरियल का इनफॉलिएबल फाउंडेशन। शेड्स एंड ऑल दैट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं मिक्स करूँगी वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर। ये मेरी फाउंडेशन को एक ड्यूई लुक देगा और मेरी स्किन को एक अच्छा सा ग्लो भी देगा। इस फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर लूँगी YBP के ब्यूटी स्पॉन्ज से। इस फाउंडेशन को मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे नायका की पिंक फ्राइडे सेल से परचेज किया है और ये मुझे 50% ऑफ में मिला था। काफ़ी अच्छा डील है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है। और क्योंकि मैंने इसमें हाइलाइटर मिक्स किया है इसलिए अभी इसका मीडियम कवरेज आ रहा है, बट क्योंकि ये डे मेकअप लुक है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहती हूँ। अपनी नेक को भी मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। और कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट एले गर्ल का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है क्रीमी बेज, जो कि मेरे स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्टली मैच है। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि मैं इस मेकअप को बिल्कुल ग्लोई और ड्यूई रखना चाहती हूँ इसलिए मैं अपने पूरे फेस को पाउडर से सेट नहीं करूँगी। यहाँ मैं मेबलिन का फिट मी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने अंडर आई एरिया को और टी जोन एरिया को ही सेट करूँगी, क्योंकि यहीं पर मुझे ऑयल की प्रॉब्लम होती है। मतलब टी जोन एरिया जो है मेरा काफ़ी ऑयली है और मुझे लाफ लाइन्स में भी मेरी फाउंडेशन कई बार केकी हो जाती है। अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं नायका का कंसीलर पैलेट यूज़ करूँगी। इसे मैं अपने फेस के पैरामीटर्स पर लगाऊँगी और इसे ब्लेंड कर लूँगी। क्रीम कॉन्टोर पाउडर कॉन्टोर से थोड़ा ज़्यादा नेचुरल दिखता है। इसे ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम और टेक्निक लगती है, लेकिन एक बार अगर आप इसके यूज टू हो जाते हैं तो ये काफ़ी ईजीली हो जाता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। इस क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का ब्रश। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है और काफ़ी क्विकली और इजीली ब्लेंड कर देता है। अपने नोज़ कॉन्टोर को मैं फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ ताकि ये बिल्कुल प्रिसाइज रहे। अपनी जॉ लाइन को भी मैं कॉन्टूर करूंगी।
अपने फेस को थोड़ी और वार्म्थ देने के लिए मैं यहाँ पर लॉरियल का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये डे मेकअप लुक है और ब्रॉन्ज स्किन काफ़ी अच्छी लगती है। सो गाइज, अब मैं अपना आई मेकअप कर लूँगी। सबसे पहले आईलिड्स पर मैं फिट मी कंसीलर लगाऊंगी और उसे लूज पाउडर से डस्ट कर लूँगी। आज मैं बहुत ही बेसिक गोल्डन आईज करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। आप इसे घर पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ आप किसी भी लिप कलर को अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं अपना ब्यूटी ग्लेज का पैलेट यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर ये लाइट कलर ले रही हूँ और इसे अपनी क्रीज से थोड़ा ऊपर ब्लेंड करूँगी। फ्लफी ब्रश से जब हम किसी कलर को ब्लेंड करते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट दिखता है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांजिशन कलर के लिए मैं फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सेम कलर को ही मैं एक बार फिर से ले रही हूँ और उसी जगह पर ब्लेंड कर रही हूँ। बेसिकली मैं इस कलर की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। इसी कलर को मैं थोड़ा लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड करूँगी, ताकि जब हम लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करें तो एक गाइडलाइन मिल सके। नेक्स्ट मैंने यहाँ एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और मैं इससे इस कलर के एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये कूल टोन ब्राउन कलर ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर एक डेंस ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। इसे मैं अपने आईज के आउटर वी में पहले पैक करूँगी और उसके बाद इसे धीरे धीरे अपनी क्रीज में ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग इज़ द की फ्रेंड्स। अगर आप एक अच्छा आई लुक चाहते हैं तो अच्छे से अपने आई शेडोज को ब्लेंड करें। सेम कलर को भी मैं लोअर लैश लाइन पर ले जाऊंगी और इसे भी फर्स्ट ट्रांजिशन कलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। अपनी आई लुक को थोड़ा सा और वार्म देने के लिए मैं दूसरी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है, रोजे इन दी एयर, और इसमें से मैंने ये डार्क ब्राउन कलर लिया है। इसे मैं अपने आईज के आउटर वी में ब्लेंड करूंगी और इसे धीरे धीरे क्रीज में ले जाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया है, ताकि ये कलर मेरी क्रीज से ऊपर नहीं जाए और प्रिसाइजली क्रीज में ही ब्लेंड करे। वार्म टोन से आई लुक काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि हमने आईलिड्स पर गोल्डन कलर अप्लाई करना है। सेम पैलेट में से मैं ये गॉर्जियस गोल्डन कलर ले रही हूँ और इसे अपने आईलिड्स पर लगाऊंगी। मैं अपने फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छा पिगमेंट मिले। और थोड़ा सा फिनिशिंग इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश से इसी गोल्डन कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। एंड हियर यू कैन सी द क्लोजर लुक ऑफ द आई शेडोज। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज में ब्लेंड कर रही हूँ गोल्डन कलर को, ताकि कोई हार्श एजेस नहीं दिखें। अपनी लोअर लैश लाइन पर मैं प्लम का कोल अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसकी एक थिक लाइन बनाऊंगी। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट लैक्मे का एब्सोल्यूट शाइन लाइन आईलाइनर, और मैं आज बहुत ही छोटा सा विंग क्रिएट करूंगी। अब मैं अपना मेबलिन का ब्लश पैलेट यूज कर रही हूँ और उसमें से मैं ये हाइलाइटर यूज करूंगी अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट करने के लिए। आज मैं लिक्विड हाइलाइटर ही यूज़ करूँगी, ताकि हमारी ड्यूई और ग्लॉसी लुक मेंटेन रहे।
यहाँ मैंने फिर से वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है और इसे मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। यू कैन सी द हेल्दी ग्लो। ब्लश भी आज मैं लिक्विड ही यूज़ करूँगी और इसके लिए मैं ये मेरी दो लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये हमारी मम्मा का देसी तरीका जो कि लिपस्टिक से ब्लश लगाने का, और इसे भी मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं इसलिए इसे जल्दी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एकदम से सेट भी हो जाते हैं कई बार स्किन में। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो उसी वक्त ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं नेचुरल फिनिश वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अपने लिप्स को लाइन करने के लिए मैं नायका का लिप पेंसिल यूज़ करूँगी इन द शेड पिलो फाइट। ये भी मेरी रीसेंट परचेज है गाइस और ये बहुत ही सुंदर कलर है। तो गाइस दिस इज द फाइनल लुक। न्यूड लिप्स के साथ ये लुक बहुत ही सॉफ्ट और सटल लग रहा है। उसके बाद मैंने शुगर का क्रेयॉन लिपस्टिक लगाया है, इसका शेड है स्कारलेट ओहारा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा लिप ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ गाइज, इट मीन्स अलॉट टू मी। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।